आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। साइबर सिटी गुरुग्राम में विदेशी महिला से छेड़छाड़ मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम में साउथ कोरिया की रहने वाली एक महिला और उसके दोस्त के साथ 10 फरवरी की शाम को दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर की पहाड़ियों के पास 4 युवकों ने छेड़छाड़ की और मारपीट के बाद उसका वीडियो बना लिया गया था, जिसकी शिकायत पर इस विदेशी महिला ने मानेसर में महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद FIR दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक साउथ कोरिया की रहने वाली यह महिला अपने दोस्त के साथ जयपुर से घूमकर वापस दिल्ली आ रही थी। उसी दौरान मानेसर में रुककर दोनों ने पहाड़ी इलाके की कुछ तस्वीर अपने कैमरे में कैद करने लगे। उसी दौरान 4 युवकों ने उस महिला के साथ छेड़छाड़ की और उसका विरोध किया गया तो उसके दोस्त के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद विदेशी महिला और उसका दोस्त वहां से निकलकर भाग सके। उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस में दी गई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 10 फरवरी की रात को ही 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर महज 24 घंटे के भीतर ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। चारों आरोपियों की पहचान संदीप, विनोद, जितेंद्र और राकेश के रूप में हुई है। ये चारों आरोपी गुरुग्राम जिले के ही रहने वाले हैं। देखिए, जो ये युवती है ये इसके अपना एक फ्रेंड है इसका, उसके साथ ही जयपुर से गुड़गांव वाले रोड पर गाड़ी में थी और उसके बाद इन्होंने मानेसर अपनी गाड़ी रोककर वहाँ पर जो हिल्स एरिया है वहाँ पर वो अपने फोटोग्राफी कर रहे थे, तो उसी दौरान वो युवक वहाँ पर आकर उनकी उस औरत के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी और उसके साथ मारपीट करके उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। बेसिकली ये जो युवती है ये कोरिया की रहने वाली है। देखिए, 10 फरवरी की शाम को थाना मानेसर की जो महिला थाना है उसको सूचना मिली कि मानेसर में एक जो महिला युवती महिला है और उसके साथ एक जो उसका दोस्त है उसके साथ मारपीट और छेड़खाने की वारदात हुई, जो सूचना पर तुरंत पुलिस मौका पर पहुंच गई थी, जहां पर जो महिला थी उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को दी थी जिस पर कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। और मामले की संगीनता को देखते हुए कल 11 फरवरी की को ही जो आरोपी थे उन चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो चारों के चारों आरोपी लोकल गुड़गांव के जो सहरावन गांव सहरावन के और बादशाहपुर के और एक दरबारीपुर के, इस तरह के चारों लोकल गुड़गांव के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको आज माननीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस को मिली 10 फरवरी को विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है, साथ ही उस वीडियो का भी पता लगा रही है जो इन आरोपियों ने उस विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ के दौरान बनाया था। गुरुग्राम से आकाश खुराना। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।